हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद में शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में एक और अमेजिंग सा रीसेलिंग हॉल वीडियो। दोस्तों, आज के हॉल में मैं आप सबके साथ में कुर्ती, कुर्ता सेट एंड मैक्सी ड्रेसेस प्लस ज्वेलरी भी शेयर करने वाली हूँ। तो आपको काफी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। प्लस दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आ रही है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर करिए मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे। अगर वो चीज अवेलेबल होगी तो आपको सिर्फ उस चीज का पर्टिकुलर प्राइस पे करना है। सभी के प्राइजेस आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक और चीज बता दूं, अगर आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तो सिंगल पेयर ऑफ नेकलेस या फिर सिंगल पेयर ऑफ इयररिंग मैं सेल नहीं करूंगी। आप या तो दो तीन एक साथ ज्वेलरी ले लीजिए या फिर फैब्रिक मतलब कपड़ा एंड ज्वेलरी एक साथ ले लोगे तो मैं आपको सेल करूंगी, क्योंकि क्या है, शिपिंग काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है सिंगल ज्वेलरी के लिए। तो इसीलिए आप जो है सिंगल ज्वेलरी बाय ना करो, आप एक साथ तीन चार ज्वेलरी बाय कर सकते हो या फिर कपड़ा या फिर ज्वेलरी आपने दो तीन चीजें बाय करी है तो उसके लिए उससे सही रहेगा। आप पेमेंट कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू, एंड सभी चीजों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर मेरे पास फिनिश हो जाए तो आप जो है वेबसाइट से यानी कि मीशो, अमेजोन, जहां से भी वो चीजें मैंने ली है वहां से आप बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है हमारी कुर्ती। तो फर्स्ट जो कुर्ती है ये कॉटन में आएगी, सो ये प्रिंटेड कुर्ती रहेगी। साइज जो है इसका एक्सेल है, तो अगर आपकी साइज एक्सेल है तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। वी शेप में इसका नेक आएगा, 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगी। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको स्ट्रैप्स का ही कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा। तो फर्स्ट तो ये वाली कुर्ती मैंने रखी है। सेकेंड जो कुर्ती है ये भी रियोन कॉटन ब्रांड फैब्रिक में आएगी, तो यहाँ पे पिंक कलर में रहेगी। तो ये स्ट्रेट कट में कुर्ती है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा। फ्रंट एंड बैक साइड सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, साइज जो है इसका वो एक्सेल अवेलेबल है, तो अगर आपकी साइज एक्सेल है तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता मैं दिखा रही हूँ ये कुर्ती जो है एक्सेल साइज में है एंड बंधेज के पैटर्न में आएगा। ए लाइन कुर्ता रहेगा ये, यहाँ पे आपको जो है एल्बो स्लीव्स मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, और फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। मिडिल में आपको बटन्स की आप देख सकते हो, बटन्स की डिटेलिंग मिलेगी जो की सारी बटन्स डेड रहेगी, कोई भी ओपन नहीं होती है। नेक्स्ट जो मैं कुर्ता शेयर करने वाली हूँ ये एक काफ्तान कुर्ता है, तो ये मॉव कलर में आएगा। काफी सुंदर सा काफ्तान कुर्ता रहेगा, इसमें आपको बस्ट एरिया में पूरे पे ही आप एम्ब्रॉयडरी वर्क देख सकते हो। यहाँ पे आपको डोरी का डिटेलिंग मिलेगा और ये काफी सुंदर काफ्तान कुर्ता रहेगा। साइज अवेलेबल है एक्सेल, तो अगर आपकी साइज एक्सेल है तो आप इसको जरूर ट्राई करो, बहुत पसंद आएगा। और सभी की प्राइजेस स्क्रीन पे मेंशन है, तो प्लीज आप स्क्रीन को अच्छे से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ वो है ये ब्लू कलर की कुर्ती। तो यहाँ पे भी आपको आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रेट कट में कुर्ता रहेगा। यहाँ पे आपको कॉलर नेक मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, तो ये एक रेयॉन फैब्रिक की कुर्ती रहेगी। ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्रंट एंड बैक साइड सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्बो स्लीव्स। पूरा ये 3/4 स्लीव्स नहीं रहेगा, एल्बो स्लीव्स जैसा ही रहेगा, और ये कुर्ता स्ट्रेट कट में आएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ ये ब्लू कलर में रहेगी। ये भी प्रिंटेड कुर्ती है, फ्रंट साइड से आप देख सकते हो, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल जाता है। क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। तो ये सारी कुर्तीज डेली वेयर के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं शेयर करने वाली हूँ ये ओरिला ब्रांड से है, ये भी अच्छी कुर्ती है। सो यू कैन सी यहाँ पे एक्सेल साइज में आपको ये अवेलेबल मिलेगी, कॉटन की आएगी ये। फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट रहेगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, जिसमें जो ब्रांड की कुर्तीज होगी उसमें आपको टैग ऑलवेज मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखाने वाली हूँ ये अनूक ब्रांड से है, ये मिंत्रा की कुर्ती रहेगी। तो ये स्ट्रैप्स के पैटर्न की है, ये लास्ट रीसेलिंग्स में बच गई थी वो वाली कुर्ती है ये। तो ये स्ट्रैप्स की पैटर्न की कुर्ती रहेगी, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड आप देख सकते हो स्ट्रैप्स का कॉन्सेप्ट, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। ये वाला कुर्ता अवेलेबल है, साइज सभी की एक्सेल है दोस्तों, दूसरी कोई साइज है ही नहीं। नेक्स्ट जो कुर्ती मैं दिखा रही हूँ ये भी एक्सेल साइज में अवेलेबल रहेगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस कुर्ती में कुछ इस टाइप का नेक बनाया हुआ है, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा। ये कुर्ती हल्की ट्रांसपेरेंट है बिकॉज इसका कलर लाइट है, रेयन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक रहेगा, तो ये स्ट्रेट कट में ये कुर्ता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे जो कुर्ताज है वो फिनिश होते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ता सेट। तो फर्स्ट जो कुर्ता सेट मैं दिखाने वाली हूँ ये है एक ब्लू कलर का कुर्ता सेट, तो ये भी कॉटन में आएगा। नेक पे आप देख सकते हो काफी सुंदर आपको मिरर वर्क मिल जाएगा, 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, और स्लीव्स में भी आपको हल्का मिरर वर्क का काम मिलता है। फ्रंट एंड बैक साइड से सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रिंटेड ही रहेगा ये, और कॉटन में है ये।
इसके साथ में जो बॉटम वेयर आएगा वो भी कॉटन का ही आएगा। तो ये कुछ इस टाइप का आपको ट्राउजर मिल जाता है। ट्राउजर जो है बहुत ज्यादा लूज फिट नहीं है, तो अगर आपका बॉडी टाइप हैवी है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर आपका बॉडी टाइप ठीक ठाक है तो आप इसको आराम से वेयर कर सकते हो, क्योंकि हैवी बॉडी टाइप में क्या होगा, ट्राउजर टाइट फिट होगा तो आपको पहनने का काम नहीं आएगा, पैसे वेस्ट होंगे, इसलिए मैंने कहा स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ ये भी एक कॉटन में ही आएगा, स्लीवलेस कुर्ता सेट रहेगा। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा स्लीव्स मिल जाएगी, अंदर में दी गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लीव्स मिल जाती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो स्लीव्स लगाने के लिए। यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है एंड कुर्ती के दोनों साइड में आपको कुछ इस टाइप की डोरी की डिटेलिंग एंड ये लटकन मिल जाती है। तो ये स्ट्रेट कट में तो कुर्ता आएगा, इसके साथ में आपको मिलेगा रेयॉन का ही मटेरियल का इसका बॉटम वेयर। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस टाइप का ये अच्छा खासा फ्लेयर का आपको बॉटम वेयर मिल जाएगा। बॉटम वेयर जो है रेयॉन एंड कॉटन ब्लेंड काइंड ऑफ है, काफी अच्छा फैब्रिक है, क्वालिटी सही आपको मिल जाती है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ ये हमारा लास्ट हॉल में बच गया था, तो वही वाला कुर्ता सेट है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्रीन कलर का कुछ इस टाइप का स्ट्रेट कुर्ता रहेगा ये। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में प्रिंट आपको मिलता है, क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आप देखोगे दोनों तरफ ये गोटे का स्ट्रैप्स का पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये कुर्ती रहेगी, साइज सभी में दोस्तों एक्सेल रहेगा। इसके साथ में जो बॉटम वेयर रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। एंड दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा फ्लेयर वाला बॉटम वेयर नहीं है, ओके ओके काइंड ऑफ इसका फ्लेयर है। तो आप अगर आपका बॉडी टाइप काफी हैवी है तो मत बाय करिएगा, अगर आपका बॉडी टाइप ठीक ठाक है, मेरे जैसा बॉडी टाइप है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बैक साइड में इलास्टिक रहेगा। तो ये है हमारा एक और कुर्ता सेट। अब जो हमारा लास्ट कुर्ता सेट है आज के हॉल का वो मैं दिखाने जा रही हूँ, ये है ग्रे कलर का। तो यहाँ पे ये ग्रे कलर का आपको कुर्ता मिल जाता है, साइज इसका एक्सेल रहेगा। तो ये स्ट्रेट कट में आपको कुर्ती मिल जाएगी, प्रिंटेड फ्रंट एंड बैक साइड, यू कैन सी बोथ साइड में आपको प्रिंटेड कुर्ता मिलता है, रेयॉन का मटेरियल का ये कुर्ता है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा। इसी के साथ में जो बॉटम वेयर रहेगा ना वो व्हाइट कलर में रहेगा, बैक साइड में आपको ये इलास्टिक मिल जाता है, एंड फ्रंट साइड से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा। प्लाजो जो है इसका काफी अच्छा खासा दिया गया है, फ्लेयर काफी अच्छा है, तो अगर आपका बॉडी टाइप हैवी है तब भी आप इसको इजिली वेयर कर सकते हो। तो ये तो रहा हमारा कुर्ता सेट। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैक्सी ड्रेसेस जो मैंने रखी हुई है। तो यहाँ पे 4 मैक्सी ड्रेसेस है, सभी की साइजेस एक्सेल रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सी ड्रेस है वो है ये वाली व्हाइट कलर में। तो ये व्हाइट कलर में प्रिंटर में आएगी, मीडियम लेंथ की मैक्सी ड्रेस रहेगी, राउंड शेप में नेक रहेगा, बलून स्लीव्स रहेंगे, और पूरा ये लाइनिंग के साथ में आता है, लाइनिंग आपको नीचे तक मिलता है तो कोई फिकर वाली बात नहीं है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड में फ्लोरल प्रिंट आपको मिलता है, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। साइज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी में साइज एक्सेल रहेगी। तो फर्स्ट मैक्सी ड्रेस ये रहेगा, सेकेंड वाला एक ग्रे कलर का है, ये भी जॉर्जेट के मटेरियल का है और इसमें भी नीचे तक आपको लाइनिंग मिल जाएगा, इसमें भी सेम बलून स्लीव्स वाला कॉन्सेप्ट है। फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी बोथ साइड से ये पूरा का पूरा प्रिंटेड रहेगा, क्वालिटी अच्छी है और लाइनिंग वगैरह है तो ट्रांसपेरेंट वगैरह का कोई इशू नहीं होता है। थर्ड मैक्सी ड्रेस जो है ये एक ब्लू कलर में रहेगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग मैक्सी ड्रेस रहेगा, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये ड्रेस रहेगा, वी शेप में इसका नेक रहेगा, शॉर्ट स्लीव्स आएंगे और काफी सुंदर ये ड्रेस रहता है, पहनने पर काफी कंफर्टेबल लगता है। इसमें भी आपको नीचे तक लाइनिंग मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे तक आपको लाइनिंग मिल जाता है, तो कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट वगैरह का कोई इशू नहीं होगा। लास्ट जो मैं मैक्सी ड्रेस दिखाने वाली हूँ वो है हमारा ये वाला मैक्सी ड्रेस, और ये भी बहुत सुंदर सा मैक्सी ड्रेस है, प्रिंट डिफरेंट रहेगा और बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ में आएगा। अगेन बलून स्लीव्स, फ्रंट एंड बैक साइड यू कैन सी प्रिंट काफी सुंदर आपको मिल जाता है, क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है। तो ये वाला मैक्सी ड्रेस अवेलेबल है। तो ये सारे तो हो गए ड्रेसेस, अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको ज्वेलरी। तो कुछ तो मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी है, इयररिंग्स रखी है, एंड कुछ मैंने जो नॉर्मल ज्वेलरी पर्स वाली ज्वेलरी होती है वो वाली भी रखी है। तो फर्स्ट जो ज्वेलरी सेट मैंने रखा है वो है ये वाला। सो ये वाला जो ज्वेलरी सेट है ये अमेजोन से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर बाय करना चाहते हो तो अमेजोन से भी कर सकते हो, अगर ये मेरे पास खत्म हो गया तो अमेजोन ही आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का नेकपीस रहेगा, काफी सुंदर स्टोन का वर्क रहेगा इसमें और काफी खूबसूरत भी लगता है, आप इसको साड़ी के साथ में पहनो, सूट के साथ में बहुत ही प्यारा लगता है। ये हमारा नेकलेस रहेगा और इसी के साथ में आपको मिलेंगे इसके प्यारे प्यारे से इयररिंग जो कि काफी ज्यादा सुंदर एंड लाइट वेटेड से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हो ये कुछ इस टाइप के इयररिंग्स रहेंगे, बहुत ही क्यूट एंड प्यारे इयररिंग्स है, क्वालिटी इनकी काफी अच्छी है। तो ये रहेंगे इसके इयररिंग्स,
प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने रखा है वो एक और नेकलेस है, प्लस इसके साथ में इसके इयररिंग्स आएंगे और काफी सुंदर है ये। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, आप अमेजोन पे इसका प्राइस चेक कर सकते हो कि मैंने क्या प्राइस रखा है, अमेजोन पे किस प्राइस पे मिल रहा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ इस टाइप का नेकलेस रहेगा, काफी खूबसूरत सा मरून स्टोन वर्क है, पूरा ये ऑक्सीडाइज रहेगा, काफी सुंदर सा ये नेकलेस रहेगा इसका। और इसके साथ में आपको मिल जाएंगे इसके ये प्यारे प्यारे से छोटे से झुमके, तो ये काफी खूबसूरत झुमके हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है ज्यादा छोटे भी नहीं है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही क्यूट एंड बहुत सुंदर लगने वाला है। तो ये वाला नेकलेस मैंने रखा है रीसेलिंग में। देन मैंने जो नेकलेस रखा है ये काफी खूबसूरत नेकलेस है, तो इसमें पूरा मिरर का ये काम रहता है, चोकर है ये एक तरीके से, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक आएगा इसका एंड प्यारा लगता है दिखने में, अगर आप इसको सूट के साथ साड़ी के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। तो ये नेकलेस रखा है, इसके साथ में इसके आएंगे आपके इयररिंग्स, तो ये भी मिरर वाले इयररिंग्स ही रहेंगे, बहुत सुंदर से क्यूट से इयररिंग्स आएंगे, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के, तो ये इयररिंग्स है। देन मैंने रखा है एक और इयररिंग, तो यहाँ पे ये जो इयररिंग्स है ना ये झुमके आएंगे कुछ इस टाइप के, तो ये ग्रे शेड में आएंगे, बहुत ही प्यारे झुमके हैं, लाइट वेटेड से हैं, तो ये वाले झुमके मैंने रखे हैं रीसेलिंग में। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी सेट, वो है ये वाला बहुत प्यारा सा नेकपीस। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए यूनिक सा, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो, काफी सुंदर ये नेकपीस रहेगा, कुछ इस टाइप के पेंडेंट के साथ आता है और कलरफुल ये डिटेलिंग्स आपको मिल जाएगी। तो ये वाला नेकपीस मैंने रखा है, इसके साथ में आपको मिलेगी इयररिंग्स जो कि कुछ इस टाइप की रहेगी, बहुत ही सुंदर सी एंड प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी इयररिंग्स आपको मिल जाती है ये, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की आपको इयररिंग मिलती है, बहुत प्यारी इयररिंग्स है, क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, पहनने में लाइट वेटेड रहती है, तो ये इसके साथ की इयररिंग्स आपको मिलती है। नेक्स्ट जो नेकलेस मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक पिंक कलर में लोटस के शेप का नेकलेस रहेगा एंड इयररिंग आप देख सकते हो साथ ही में आपको मिल जाएगी इयरिंग्स। तो ये वाली ज्वेलरी मैंने रखी है, पिंक कलर में रहेगा ये, पिंक मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं बहुत ज्यादा लाइट नहीं, तो ये कुछ इस टाइप का नेकपीस रहेगा जो कि मैंने रीसेलिंग में डाला है। नेक्स्ट जो नेकलेस है वो भी काफी खूबसूरत है, ये जवेरी पर्ल्स का है, तो इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी आपको मिलती है। सो ये रहा आपका नेकलेस, बहुत सुंदर सा नेकलेस है, कुंदन का वर्क एंड जो मीना वर्क वगैरह किया गया बहुत ही खूबसूरत वर्क है, तो ये वाला नेकलेस मैंने रखा है। इसके साथ में आपको मिलेगी ये वाली इयररिंग्स जो कि आप देख सकते हो, काफी खूबसूरत आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे, बहुत प्यारा लगता है पहनने पर, आप इसको किसी भी ओकेशन में, अभी राखी आ रही है तो उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। लास्ट जो नेकलेस मैं आज के हॉल में रखने वाली हूँ वो है ये वाला, बहुत सुंदर सा हार है ये चोकर, बहुत प्यारा लगता है इस टाइप का पहनने पर, एक रॉयल लुक आता है, तो आप देख सकते हो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ये वाला रखा है मैंने। इसके साथ में आपको मिल जाएंगे इसके इयररिंग्स जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके प्यारे से इयररिंग्स जो कि झुमके हैं, बहुत ज्यादा सुंदर झुमके हैं ये। तो ये था मेरा दोस्तों आज का रीसेलिंग का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।